please follow and subscribe. I am actually loving it now. जिनके हौसले बुलंद होते हैं उनकी जीत निश्चित होती है। कठिनाइयां भी हार जाती हैं, इरादे जिनके मजबूत होते हैं। प्लान तो ये है कि अभी मैं थोड़ा पहले जाके फ्रेश हो जाऊं, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना टॉयलेट टेंट नहीं लगा सकता हूँ, इट्स अ रेजिडेंशियल प्लेस। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कोई मुझे होटल वाला अलाउ कर दे कि भाई ठीक है आप हमारा वॉशरूम यूज़ कर लो थोड़ी देर के लिए। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता है तो फेयर इनफ, वेरी गुड। और नहीं होता फिर देखते हैं, कुछ दूसरा ऑप्शन देखते हैं। फिलहाल के लिए तो मैं उठता हूँ, पहले ब्रश व्रश करता हूँ, मेरे अपने आप को नहाता धोता हूँ। नहाने का तो देखते हैं, यार शायद ही मेरे को कोई लगता नहीं है कि अगर कोई मुझे अलाउ करेगा नहाने के लिए अपने वॉशरूम के अंदर, क्योंकि होटल तो हमने लिया नहीं है। बट ठीक है, लेट मी ट्राई, लेट मी गिव इट अ ट्राई। इफ नॉट तो वॉशरूम तो एटलीस्ट यूज़ करने दे यार, फ्रेश तो होने दे, नेचर कॉल है, कहाँ करूँगा यहाँ पर फ्रेश कैसे होगा। तो ठीक है, वो सब का तो हो जाएगा। बाई चांस अगर नहाने का नहीं हुआ तो मुँह हाथ धो लेंगे, कल नहा लेंगे, एक दिन छोड़कर एक दिन नहा लेंगे, ठंड वैसे ही बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। थैंक यू सो मच, कीप लविंग एक्सप्लोरिंग एट 40 एंड स्टे ट्यून्ड, get more to come. Guys, I love Spiti. जा रहे हैं चीचम ब्रिज, एशिया का लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज, आप व्यू देखो। तो गाइज ये चीचम ब्रिज के रास्ते में ही हमें पड़ेगा की विलेज, जहाँ की फेमस है की मॉनेस्ट्री। तो हम पहले यहाँ से रोड देखो आप, ओए होए 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 होए, मजा आ गया। तो मेरा सोच रहा हूं कि यहां से पहले चीचम ब्रिज ही चला जाए, वापसी आते हुए की मॉनेस्ट्री देख लेंगे। थोड़ा सावधानी से चलिएगा, रास्ते वाकई खतरनाक है, नजर हटी दुर्घटना घटी। हम भी आराम से चल रहे हैं, सावधानी से चल रहे हैं, पूरा जान है तो जान है गाइस, सबसे बड़ी बात है। वंडरफुल गाइस, वंडरफुल जर्नी सो फार, इट विल बी अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी हैव डिड इट इन द स्मॉलेस्ट कार ऑफ इंडिया विद द स्मॉलेस्ट सीसी विदाउट एनी ट्रबल, चीचम ब्रिज। हमारी टाटा नैनो, द मोस्ट अफोर्डेबल कैरावैन एट चीचम ब्रिज, एशिया लार्जेस्ट, वंडरफुल मूवमेंट, कर दिखाया दोस्तों, हमने कर दिखाया, क्या खुशी मिल रही है आप महसूस नहीं कर पाओगे मेरे चेहरे से, मगर मेरा दिल जानता है। ये देख लीजिए, हम चीचम ब्रिज पे चल रहे हैं, हमारी नैनो चीचम ब्रिज पे चल रही है, और क्या चाहिए छोटी सी कैरावैन से। अमेजिंग अमेजिंग, with the lowest capacity cc engine ever in india we have did it in a smallest car of india, the Chicham bridge, asia's largest suspension bridge, that too on a smallest and the cheapest car, tata nano। aur ye nano ke andar aapka 6.5x4 ka pura bed hai, iske andar 12 se 220 watt power management hai, electric management hai, plus water management isme pura hai। engine ke sath aur iske tyre ke sath maine koi chhedchhad nahi kari hai, और इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल कैरेवैन।
गाड़ी को लोगों ने समझा नहीं. एग्जैक्टली इस गाड़ी को लोगों ने समझा नहीं है, और जिसने समझा है उसने कभी छोड़ा नहीं. छोड़ा नहीं है वाकई में. और ये तो हेड्स ऑफ टू यू, मेरे को तो गूज़बम्स आ गए हैं वो गाड़ी देख के. अभी मैं अपनी गाड़ी के साथ में, दोनों के साथ में लेंगे. बिल्कुल 2500 सीसी, 1000 सीसी, क्या नॉट इवन 1000, 624. तो वो के हाँ, इट्स नॉट द व्हीकल, इट्स द पर्सन. एग्जैक्टली द पर्सन बिहाइंड द व्हील्स, द पर्सन बिहाइंड द व्हील. स्टोरी एट द रेट 40 रॉक. प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब. 14th October 2023, 10:45 AM, the history has been created. ये है किबर विलेज. चीचम ब्रिज से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है ये. आप देखिए कितने पुराने ओल्ड स्टाइल हाउसेस. ये असली खूबसूरती है हिंदुस्तान की. प्रांत प्रांत, जगह जगह माहौल बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, भाषा बदल जाती है. नमस्ते, राम राम, झूले में बदल जाता है. झूले गाइस, ये जो किबर विलेज है ना, अर्लियर इट वाज द हाईएस्ट विलेज इन द लाहौल स्पीति रीजन. इतने हाई एल्टीट्यूड के ऊपर 13,000 कुछ एल्टीट्यूड से है ये. लेकिन अब लोकल कहते हैं कि हिकिम जो है, हिकिम विलेज, वो सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है. तो बस अब यहाँ से हम जो पहले जाएंगे की मोनेस्ट्री, वहाँ से फिर आपका कॉमिक लांगजा और हिकिम, ये सब दिखाते हुए आज आपको. रियल एडवेंचर इज नॉट जस्ट अ डेस्टिनेशन, it's a journey into the unknown. It's pushing your limits, facing your fears, and discovering the strength and resilience you never knew that you had. It's not always easy, but it's where life truly comes alive, where memories and histories are made, and where you find the extraordinary in the ordinary. Exploring at 40. बहुत ही बढ़िया गेट सूर्य कुमार यादव की चेहरा जैसे ना होता है. और ये शानदार छक्का यहाँ पर हम करने वाले आ रहे. सूर्य कुमार यादव कट खेलने की पर सारे बोलो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो. इतिहास बनाने के बाद की खुशी वो है जब आप आत्मसंवाद करते हैं और अपने आप को और अधिक बेहतर बनाने के लिए तैयार होते हैं. तो की मोनेस्ट्री के बाद हम जा रहे हैं लांगजा, और रास्ता कुछ ऐसा है एकदम खतरनाक सा, लेकिन रोड बहुत अच्छी है तो इसलिए इतना खतरनाक लग नहीं रहा. और हमारी कैरावैन भी मस्त मक्खन की तरह चल रही है. अकेले चलना कुछ ऐसा है जैसे आप खुद से मिलने के सफर पर हैं. ये ब्लॉग मेरे लिए एक खुद से मिलने का सफर है, और मैं हर कदम पर एक नई कहानी लिख रहा हूँ. कभी कभी असली जिंदगी का मजा तब आता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं. स्पीति वैली की आंखों में ख्वाबों की झलक देखकर मैंने फैसला लिया कि मैं इन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए तैयार हूँ, और मैं निकल पड़ा दिल्ली से स्पीति तक के सफर में अपनी छोटी सी प्यारी सी कैंपर वैन में. हर रास्ता एक नई कहानी के साथ आता है, और ये कहानी मेरी है. देखिएगा जरूर. जिनके हौसले बुलंद होते हैं उनकी जीत निश्चित होती है.
जिंदगी में कुछ पाने का जोश ही हमारी ऊर्जा का स्रोत होता है। जब हम कुछ नया हासिल करना चाहते हैं तब हमारी हिम्मत और मेहनत से ही वो संभव होता है। ये जोश हमारे सपनों को हकीकत बनाता है और जिंदगी को अनमोल भी बनाता है। इसलिए जोश बना रहे और अपने लक्ष्यों की तरफ आप बढ़ते रहें। इस सफर में हम अब एक और नए इतिहास की तरफ बढ़ रहे थे, कॉमिक विलेज की ओर। टाटा नैनो कैरेवैन से सफर करना एक अलग अनुभव था। हर रास्ता, हर पहाड़, हर एक छोटा सा गांव मानो इसकी गवाही दे रहा था कि कैसे हमारी टाटा नैनो कैरेवैन हमारे साथ हर कदम पर है। ये सफर ना सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है, बल्कि ये वो कहानी है जिसे मैं, आप और हम सब अपनी अनमोल यादों के रूप में हमेशा अपने साथ रखेंगे। इतिहास बन चुका है और बना भी रहेगा। सिक्किम वर्ल्ड हाईएस्ट ऑपरेशनल पोस्ट ऑफिस, क्या बात है। एंड वन ऑफ द हाईएस्ट विलेजेस इन द वर्ल्ड। दोस्तों, हमारी छोटी सी अफोर्डेबल कैरावैन आ पहुंची है हाईएस्ट विलेज इन वर्ल्ड, कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड, द विलेज कॉमिक। एल्टीट्यूड 4587 मीटर। ओह माय गॉड, दैट इज इनक्रेडिबल। इस छोटी सी लाजवाब गाड़ी ने वो कर दिखाया जो अच्छी अच्छी गाड़ियाँ करती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कर सकती हैं। कई टाइम गाड़ियों के लिए टफ होता है, चैलेंजिंग होता है, वो भी इंडिया की सबसे छोटी अफोर्डेबल कैरेवैन पे। चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, एंड कीप लविंग एक्सप्लोरिंग एट 40। गाइस आप ये देख सकते हैं, ये अपना वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, और वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस में हाईएस्ट नैनो आई है, ये देख सकते हैं आप। फुल जोश के साथ एकदम जज्बा बुलंद है, एकदम जज्बा बुलंद है। दोस्तों, इंडिया का और वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, और ये आ चुकी है हमारी कैरेवैन। और क्या चाहिए आपको, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। फर्स्ट क्लास अभी तक आई है। हा, अपने आप में एक प्राउड मूवमेंट फील कर रहा हूँ मैं। जैसे जैसे नई नई अचीवमेंट्स आ रही है ना, प्राउड फैक्टर आ रहा है। सीरियसली, आई एम एक्चुअली लविंग इट नाउ। कीप सब्सक्राइबिंग एंड वॉचिंग एक्सप्लोरिंग एट 40। थैंक यू सो वेरी मच। आप सभी ऑडियंस का तहे दिल से शुक्रिया फॉर वॉचिंग माई कम्प्लीट स्पीति सीरीज। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी, एंड आई एम प्राउड टू हैव अ स्पेशल प्लेस इन योर हार्ट्स। दिस जर्नी वॉज मेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद योर प्रेजेंस ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।